गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। गाजीपुर के सैदपुर में महंगाई के खिलाफ जनपद की तहसीलों पर 11 बजे से लेते धरना प्रदर्शन पर सपा कार्यकर्ता। जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में धांधली के आरोप सहित अन्य मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जनपद की सभी तहसीलों पर आज धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा क्षेत्र प्रभारियों की जिम्मेदारी लगाई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के निर्देश पर आंदोलन किया जा रहा है। सपा विधायक सैदपुर सुभाष पासी ने कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सत्ताधारी पार्टी ने जमकर धांधली की है। उन्होंने कहा, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। महंगाई ने लोगों के सामने अपना परिवार पालने की चुनौती खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार न तो महंगाई को रोकने के लिए कुछ कर रही है और न ही युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कोई कदम उठा रही है। सपा कार्यकर्ता तहसीलों पर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन क्षेत्राधिकारी सैदपुर को सौंपा। इस अवसर पर सपा विधायक सुभाष पासी, अक्षर फाउंडेशन के अध्यक्ष रीना पासी, कमलेश सोनकर, मोहित यादव, नितेश सिंह, राहुल यादव, ब्लॉक प्रमुख हीरा यादव, आलोक सिंह, अभिषेक साहा एवं सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था की कमान कोतवाल सैदपुर राजीव कुमार सिंह ने अपने दल बल के साथ मौजूद रहे। सारी चीजें उसमें लिख गई हैं, उस पत्र की कॉपी हम आपको दे दे रहे हैं ताकि आप ही आवाज़ है, जनता की आवाज़ है। आप चाहेंगे तो इस आवाज़ को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन, सरकार, पुलिस विभाग अत्याचार हो रहा है, ये लोगों के सामने लाने का काम पत्रकारों का है, मीडिया का है, चैनल का है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि निष्पक्ष भाव से जो सच्चाई है उसको छापिए। समय दूर नहीं है, चुनाव सर के ऊपर है, लेकिन जिस तरह से व्यवस्था खराब हुई है, लोगों के साथ जिस तरह से धांधली हो रही है, अत्याचार हो रहा है, हर गरीब इंसान, हर दलित पीड़ित है। महामारी को लेकर के, GST को लेकर के, नोटबंदी को लेकर के, इस कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं इस उत्तर प्रदेश में। जबकि सरकार का 5 लाख के ऊपर का बजट था, पहले ही चरण में सरकार चाहती थी बहुत कुछ व्यवस्था अस्पतालों की, वेंटिलेटर की कर सकती थी। 1 करोड़ पहला विधायक मैं था कि 1 करोड़ मैंने वेंटिलेटर को दिया। आज तक अभी 60 लाख रुपया मैंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिया क्षेत्र की जनता के लिए। मैं आप लोग के जरिए ये मांग करता हूँ कि जो मेरी मांग है, जो मैंने लिखित में दिया है, वो मेरी जनता को मिले। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, और आप लोग का साथ हम लोग का विकास होगा। यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है, कोई भी चुनाव हारता है यही आरोप लगाता है कि धांधली हुआ है। देखिए, हर आदमी अपने अपने तरफ से बातें कहता है, ये पता लगाना मीडिया का काम है, चुनाव आयोग का काम है, सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। हमारी मांग थी, हमारे जो हमें जो दुख था, हमें जो दर्द था, हमने महामहिम को पहचाने का काम किया है, बाकी निर्णय होता है। नहीं, पूरे प्रदेश में हमें दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था, और हर विधायक और हर उनका पर्चा भरने नहीं दिया गया, उनका नामांकन करने नहीं दिया गया, उनको किडनैप किया गया और जबरदस्ती अपने प्रत्याशी को जिताने का काम किया गया है। ये सारी चीज़ें महंगाई को लेकर के, डीजल पेट्रोल को लेकर के, नोटबंदी को लेकर, GST को लेकर के, कोरोना महामारी को लेकर के, जो कोरोना काल पहले लहर जब आई थी तब उस समय सरकार के पास 5,85,000 करोड़ का बजट था। सरकार चाहती तो बहुत कुछ कोविड सेंटर बना सकती थी, ऑक्सीजन प्लांट लगा सकती थी, वेंटिलेटर लगा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहला विधायक हिंदुस्तान का मैं अकेला था जो 1 करोड़ रुपया मैंने दिया था मेरे विधानसभा में वेंटिलेटर लगाने के लिए। उसके बाद इस बार भी मैंने 60 लाख रुपया दिया ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। ऑक्सीजन प्लांट का काम शुरू है, लेकिन वेंटिलेटर का कहीं पता नहीं है। वो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग सरकार से पूछिए, जो सारे विधायकों की विधायक निधि आपके पास गई थी, हर एक विधायक का 1-1 करोड़ रुपया गया था, उस 1 करोड़ का क्या हुआ, जनता को क्या लाभ मिला? मेरे क्षेत्र की जनता परेशान है, सड़क के गड्ढों को लेकर के, सिंचाई को लेकर के, बीज को लेकर के, दवाई को लेकर के, डीजल पेट्रोल को लेकर के त्राह त्राह कर रही है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने नेतृत्व लिया कि सभी तहसील मुख्यालय पे हम अपनी बात रखेंगे महामहिम के साथ, बाकी निर्णय उनके ऊपर है। और पत्र में क्या क्या, पत्र में जो मैंने कहा यही सारी चीजें लिखी हुई है, उसकी कॉपी मैं दे दूंगा। और आप लोग, क्योंकि आप ही एक ऐसी आवाज है जो जनता की आवाज को जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मीडिया और पत्रकारों पे देश को सबसे बड़ा भरोसा है,
मैं चाहूंगा कि आप सच्चाई लिखें। देख रहा है क्या सोच रहा है? देखिए, मैं हर साल बरसात के समय में मैं मेरे कार्यकर्ताओं को, आज नहीं 2007 से मैं मेरे कार्यकर्ताओं को छाता वगैरह बांटता हूँ। बारिश के समय में बच्चों को नोटबुक बांटता हूँ, महिलाओं को साड़ियाँ बांटता हूँ, जरूरतमंद जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके लिए जो मेरे से बन सकता है। तो क्या लगता है कि इस तरह से जिस छाते पर अखिलेश यादव, मुलायम यादव, मुलायम सिंह यादव थे, तो क्या लगता है कि मतलब इस तरह के माध्यम से प्रचार, पार्टी का प्रचार प्रसार भी? देखिए, पार्टी का प्रचार प्रसार, देखो मैं पार्टी से जुड़ा हूँ तो मैं पार्टी का प्रचार प्रसार तो किसी भी माध्यम, विधायक में था कि माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी से बात करके 1 करोड़ रुपया मेरे निधि से मैंने दिया था कि मेरे विधानसभा में वेंटिलेटर लगाया जाए, जो भी हो 5-10 जितना भी। और उसके बाद वो पैसा भी कट गया, हम लोग के सारा निधि का पैसा सरकार ने उस साल का नहीं दिया कोरोना COVID-19 को लेकर के, लेकिन वो कहाँ खर्च हुआ उसका हिसाब किताब अभी हमें नहीं मिला। उसके बाद इस समय में जब सेकेंड फेज आया तब तो मैंने 45 लाख रुपया मैंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिया। फिर DM साहब का फोन आता है, CMO साहब का फोन आता है कि विधायक जी पैसा कम।